हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं मोदी केयर अपडेट न्यूज़ और मैं हूँ विजय लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा हेल्थ चैलेंजेस का तीसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो हम तीन पार्ट्स में आपके प्रोवाइड करेंगे आपको, तो दो वीडियो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको प्रोवाइड हो चुका है, आपने देखे भी होंगे। और ये आज हमारा जो है हेल्थ चैलेंज का तीसरा पार्ट है, तो इसमें हम आपको 10 हेल्थ चैलेंजेस के बारे में और बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले हेल्थ चैलेंज के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा हेल्थ चैलेंज है थर्ड पार्ट का, वो है कॉमन एलर्जीज, जैसे कि कोल्ड, कफ, वायरल, जनरल एलर्जीज हो जाती है कॉमन एलर्जीज लोगों को। तो उसमें आपको क्या लेना है, उसमें आपको लेना है तुलसी, लेना है आपको 1 टैबलेट मॉर्निंग में, 1 टैबलेट इवनिंग में। एंड सेकेंड आपको लेना है स्पैनोनिला, स्पैनोनिला आपको लेना है 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट आपको इवनिंग में लेना है, आफ्टर मील लेना है। एंड नेक्स्ट आपको लेना है नोनी, नोनी आपको 20 ml मॉर्निंग में, 20 ml इवनिंग में लेना है। डिटॉक्स लेना है 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट आपको इवनिंग में लेना है। ये आपको इम्पटी पेट यानी खाली पेट आपको लेना है, इम्पटी स्टोमक। तो ये सुबह खाली पेट ले लीजिएगा और शाम को खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको लेना है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिपेशंस, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम होना, कब्ज की समस्या ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। तो इसमें हमें क्या लेना है, इसमें हमें लेना है एलोवेरा एंड डिटॉक्स। एलोवेरा आपको लेना है 20 ml मॉर्निंग में एंड 20 ml इवनिंग में लेना है आपको खाली पेट। और डिटॉक्स भी आपको 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में आपको खाली पेट लेना है। एलोवेरा का आप जूस भी ले सकते हैं और टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में। तो अगर आप एलोवेरा का जूस लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, देगा आपको। जूस जो होता है वो बहुत जल्दी जो है कवर करता है, तो अगर जूस लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारा जो हेल्थ चैलेंज है वो है पुअर आईसाइट की प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि कम दिखना, धुंधला दिखना, आँखों से पानी आना, तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो इसमें आपको हम दो चीज़ सजेस्ट करेंगे, क्रिल ऑयल और स्पैनोनिला। तो क्रिल ऑयल आपको लेना है 1 टैबलेट आपको लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच, आप कभी भी इसे ले सकते हैं, पूरे दिन में आपको 1 टैबलेट लेनी है। एंड सेकेंड स्पैनोनिला आपको भी 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट आपको इवनिंग में लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, इसे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला हेल्थ चैलेंज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलेशिस। तो अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है बढ़ती उम्र के साथ, अगर रीढ़ की हड्डी में उतार चढ़ाव या टूट फूट होने की ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें हमें क्या लेना है, उसमें हमें सबसे पहले लेना है रेड कोरियन जेंसिन। तो ये हमें 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट आपको इवनिंग में लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है। सेकेंड आपको लेना है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ये आपको 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट इसको भी लेना है। नेक्स्ट आपको लेना अश्वगंधा, अश्वगंधा आपको 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में आपको लेना है। अगला हमारा है क्रिल ऑयल, क्रिल ऑयल हमें 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है, पूरे दिन में आप इसे कभी भी ले सकते हैं। अगर ये चीज़ आप लगातार 5 से 6 महीने लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही समस्या का समाधान जो है दिखाई देगा, बहुत जल्दी आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा अगला जो हेल्थ चैलेंजेस है फ्रेंड्स, वो है कफ एंड कोल्ड। तो कफ एंड कोल्ड की समस्या ज़्यादातर लोगों में अक्सर देखने को मिलती है, तो उसमें हमें क्या लेना है, उसमें हमें तुलसी लेना है एंड सेकेंड हमें लेना है हनी विद जिंजर वाला। हमारा हनी जो है 3 फ्लेवर में आता है, तो आपको कौन सा लेना है, हनी विद जिंजर वाला हमें लेना है। तुलसी हमें 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट इवनिंग में लेना है, और हनी विद जिंजर आप कभी भी ले सकते हैं, एनी टाइम, जब भी आप लेना चाहे उसे तब आप जो है उसे खा सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसे खा सकते हैं, सूखा भी खा सकते हैं, पानी में मिला के, चाय के साथ, जैसा भी आप खाना चाहें आप हनी को उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और तुलसी आपको जो है खाली पेट लेना है सुबह, और अगर आप भूल जाते हैं तो उसे आफ्टर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, इसी तरह की कोई समस्या नहीं है। क्या है हमारा जो हेल्थ चैलेंज, वो है वेट गेन। तो अगर आपको वेट जो है गेन करना है, तो उसमें हमें क्या लेना है, स्पैनोनिला लेना है हमें 1 टैबलेट मॉर्निंग में, 1 टैबलेट इवनिंग में आफ्टर मील लेना है। सेकंड हमें प्रोटीन क्रश लेना है 25 ग्राम मॉर्निंग में
और 25 ग्राम इवनिंग में हमें लेना है। इसे आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, शेक बना के ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, अगर दूध के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा है। और थर्ड है हमारा नोनी, 20 ml मॉर्निंग में, 20 ml इवनिंग में लेना है आपको। ये एम्प्टी स्टोमक लेना है सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले। नेक्स्ट हमारा है डिटॉक्स। डिटॉक्स हमें 1 tablet मॉर्निंग में और 1 tablet इवनिंग में लेना है, और इसे आप क्या कहते हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं, और शाम को और सुबह जो है खाली पेट से लेना है। ये चीज़ अगर आप क्या कहते हैं कि खाना खाने के साथ आप इसे लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका जो है वेट गेन जो है हो जाएगा। आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसके साथ आप इसे लेते रहिएगा, और 5 से 6 महीने आप इसे लगातार लेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये असर जो है उसका दिखाई देगा। आप खुद देखेंगे कि आप जो जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट आपको हुआ है। लेकिन अगर 2-4 दिन में ये आपको समझ नहीं आएगा, आपको इसे कंटिन्यू आपको इसे 5 से 6 महीने तक लेना है अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अगला हमारा हेल्थ चैलेंज है साइनस की प्रॉब्लम। साइनस की प्रॉब्लम जो है अगर आपको इस तरह की समस्या है तो उसमें आपको क्या लेना है, आपको लेना है गार्लिक पल्स, और आपको लेना है इसे सुबह मॉर्निंग में 1 tablet और 1 tablet इवनिंग में। इसे भी आपको एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट आपको लेना है, और तुलसी लेना है आपको 1 tablet मॉर्निंग में 1 tablet इवनिंग में। इसे भी आपको खाली पेट लेना है, भूल जाते हैं तो आप इसको ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद भी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपको लेना है टर्मरिक। टर्मरिक भी आपको 1 tablet मॉर्निंग में एंड 1 tablet आपको इवनिंग में लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ये 3 चीज़ अगर आप लेते हैं तो साइनस की प्रॉब्लम जो है आपकी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम। तो ये हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है, तो इसमें आपको क्या लेना है, इसमें है हमारा मैजिकल ऑयल। मैजिकल ऑयल अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बनता है तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट कि मैजिकल ऑयल में आपको सैलून का आपको प्रोफेशनल हेयर ऑयल लेना है 100 ml का, और उसमें आपको 5 ml टी ट्री ऑयल मिलाना है, और उसमें 4 से 5 जो है कैप्सूल आपको स्पैरुनिला के मिलाने हैं, और 4 से 5 आपको फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल उसमें मिलाने हैं। तो इस तरह से आपका मैजिकल ऑयल बन जाएगा, और उसे हिला करके जब भी आप लगाएं अपने बालों में, जैसे भी आप लगाते हैं, हफ्ते में लगाते हैं या फिर आप रेगुलर लगाते हैं, जिस तरह से आप लगाते हैं उसी तरह से हेयर ऑयल को लगाइएगा, उसे हिला करके लगाइएगा। और उसके बाद है आंवला जूस। आंवला जूस आपको 20 ml मॉर्निंग में लेना है आपको, 20 ml इवनिंग में लेना है आपको खाली पेट। और उसके बाद आपको लेना है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आपको 1 tablet आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है। दिन में कभी भी आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, डिनर ले सकते हैं, दिन में पूरे दिन में आपको 1 ही 1 tablet लेनी है। और नेक्स्ट है आपका क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल आपको 1 tablet मॉर्निंग में और 1 tablet आपको इवनिंग में लेना है। ये आप इसे यूज़ करिए और इससे आपको 100% रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा हेल्थ चैलेंज है फ्रेंड्स वो है पीरियड प्रॉब्लम। तो महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है ये पीरियड की जो प्रॉब्लम है, अनियमित आना और समय से ना होना। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें क्या लेना है, आपको नोनी लेना है। नोनी आपको 20 ml मॉर्निंग में और 20 ml आपको इवनिंग में लेना है खाली पेट। क्रिल ऑयल लेना है आपको 1 tablet आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है, आपको दिन में 1 ही बार इसे लेना है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इसे आपको 1 tablet मॉर्निंग में और 1 tablet आपको इवनिंग में लेना है। ये चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो आपको 100% जो है इस तरह की समस्या में समाधान मिलेगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो हेल्थ चैलेंज है उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट और हमारा आखिरी हेल्थ चैलेंज है फ्रेंड्स उसका वो है PCOD की प्रॉब्लम। तो इस तरह की समस्या में जो PCOD की कंडीशन है इसमें क्या होता है कि जो पीरियड से संबंधित सारी समस्याएं जो है इसमें आ जाती हैं, जैसे कि अनियमित महावारी और बच्चों में पीरियड्स देर से आना, समय से ना होना, पेन अधिक होना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो PCOD में सारी समस्या आ जाती है। तो इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेना है नोनी। नोनी आपको 20 ml मॉर्निंग में और 20 ml आपको इवनिंग में लेना है। नेक्स्ट लेना है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल आपको 1 tablet आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है पूरे दिन में। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स भी आपको 1 tablet मॉर्निंग में और 1 tablet आपको इवनिंग में लेना है, ये आफ्टर मील आपको लेना है। और
नेक्स्ट है इसमें और है स्पैरुलिना, ये आपको 1 टैबलेट मॉर्निंग में और 1 टैबलेट आपको इवनिंग में लेना है। इसमें सारी समस्याएं आ जाती हैं हमारी पीरियड से संबंधित, तो अगर इस तरह की समस्या आपको है तो आप इसे लीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं फ्रेंड्स आपको पहले ये बता दूं कि ये जो मैंने बताए हैं वो सब जो मैंने यूज़ किए हैं, जो मैंने अपने टीम में बताए हैं, उन्हें इससे बेनिफिट मिला है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है आपको किसी और ने कुछ और बताया हो तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, और आपको उससे आराम भी मिला होगा तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया है कि ये मैंने बेस्ट एंड बेस्ट मैंने यूज़ किया है और इससे रिलीफ मिला है और लोगों को, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो ये फ्रेंड्स हमारा हेल्थ चैलेंज का तीसरा और लास्ट पार्ट है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको डायबिटीज़ के लिए बताया था, तो उसमें आप डायबिटीज़ की समस्या में जो भी मैंने आपको लेने के लिए बताया था उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, जामुन करेला जूस। जामुन करेला जूस आपको 20 ml मॉर्निंग में और 20 ml आपको इवनिंग में लेना है आपको खाली पेट, तो वो मैंने उसमें ऐड नहीं किया था, तो आप उसमें ये चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आप यूज़ करिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 महीने से कंटिन्यू यूज़ करिएगा और उसके बाद आपको जो उसका बेनिफिट जो है बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा, ये 2, 4, 10 दिन में समझ में नहीं आएगा। तो 5 से 6 महीने आप इसे रेगुलर लीजिए, आपको 101% रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। तो आप इसे खुद भी यूज़ करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच।